ओके, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ ओके, कैमरा उसको ऑन क्यों नहीं करते, थोड़ा आइडिया दो प्लीज। कैमरा ऑन करो, मुझे क्लास दिखनी चाहिए, ऐसे में पहचान नहीं पाऊंगा कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है। आपको कैमरा ऑन करना चाहिए। हाँ, अब बेटर लग रहा है, बेटर लग है। ठीक, अभी भी काफी लोगों का ऑफ है, प्लीज इसे ऑन कर लें। ठीक है, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि कोई अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके या क्लास ऑन करके कंप्यूटर चला गया ना, ऐसा भी हो जाता है ऑनलाइन क्लास में ना, तो मुझे एटलीस्ट सब कुछ दिखना चाहिए। बैंडविड्थ स्लो आ रही है, एक सेकेंड। हाँ, अब बेटर है, अब वीडियो भी सही दिख रहा है। हाँ ठीक है, मेरे सिस्टम के ऊपर तो ठीक ही दिख रहा है आप, मैं आई होप आपके सिस्टम पे भी अब सही सही दिखेगा। मैं बोर्ड को आगे कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा एंगल सेट करता हूँ कैमरे का, अब सही है। बेटर, अब बेटर है लाइट ऑफ करके। ओके चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक था, राइट? तो फ्रिक्शन के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, और वो कॉन्सेप्ट था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का। कैमरा ऑन करो प्लीज, बहुत कम लोगों ने कैमरा को ऑफ ऑन किया हुआ है। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि इसने भी ऑन नहीं किया तो मैं भी ऑन नहीं करता। प्लीज कैमरा को ऑन करो, ये दिखना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑन करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था फ्रिक्शन के अंदर कि आपके पास कोई भी सरफेस की रफनेस को कैलकुलेट करने के लिए एक हमने कोफिशियंट बनाया था म्यू। इस कोफिशियंट का नाम था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ये नाम था म्यू कोफिशियंट। अगर इसकी वैल्यू हाई है और ये किसी भी सरफेस के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट, तो अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हाई है तो उस केस में उस सरफेस, वो जो सरफेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा रफ होगी, काफी रफ होगी। अगर म्यू कम होगा तो सरफेस रफ नहीं होगी, कम रफ होगी, और अगर म्यू जीरो होगा तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, रफनेस नहीं होगा। तो ये म्यू का काम था। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी को हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए, उस मिनिमम फोर्स को अगर हम अप्लाई नहीं करते तो बॉडी हिलती नहीं अपनी जगह से। जैसे कि अगर ये एक बॉडी है, इसको हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है टू मूव अ बॉडी इज 10 न्यूटन। तो कई लोग पूछते थे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं 10 न्यूटन, आपको कैसे पता लगा कि ये जो बॉडी है इसको हिलाने के लिए मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स चाहिए? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, म्यू एस का। म्यू एस से जब भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू म्यू एस कोफिशिएंट को यूज करके जो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, इसको हम क्या नाम देते थे, मैक्सिमम स्टैटिक
फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक, ये हमने कैलकुलेट किया था, इसका नाम था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमने डिस्कस किया था। तो जैसे सपोज करो इस बॉडी का वेट 5 केजी है, तो इसका वेट कितना हो गया, 5g हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, n, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 5g। और सपोज इस सरफेस का म्यू एस मैं आपको दे रहा हूं, इस सरफेस का म्यू एस 0.1 है, गिवन, ये गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में। तो इस सरफेस के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5 इंटू जी, यानी कि 0.1 इंटू 5 इंटू 10, तो आपके पास कितने न्यूटन आंसर आ गया, 5 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, 5 न्यूटन। तो पहला पॉइंट सबको याद आ गया कि हमने क्या कैलकुलेट किया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने यही कैलकुलेट किया था, हाउ टू कैलकुलेट दी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का दूसरा नाम है कि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, वो आपकी कौन सी फ्रिक्शन जो है अपना काम करेगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम करेगी। अब फिर मैंने ये पूछा था इस केस में कि अगर इस बॉडी को हिलाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है, लेकिन मैंने इस बॉडी के ऊपर सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन, क्या ये बॉडी हिलेगी या नहीं हिलेगी, क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी चाहिए थी, 5 न्यूटन चाहिए, लेकिन मैंने कितनी लगाई है, 1 न्यूटन लगाई है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो काउंट होगी वो 5 न्यूटन नहीं होगी, वो कितनी होगी, वो 1 न्यूटन होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इस केस में व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप अपना आंसर क्या देंगे, 1 न्यूटन, ठीक, तो आप अपना आंसर 1 न्यूटन देंगे। आई होप यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है, जो भी मैंने समझाया ये सारे का सारा। लेकिन साथ में एक चीज और ख्याल रखनी है आपने, जिसके ऊपर अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी आपसे, कि अगर मैं फोर्स अप्लाइड, है ना, वो अगर मैं फोर्स अप्लाइड की वैल्यू 1 न्यूटन की बजाय, है ना, अगर मैं फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन की बजाय 100 न्यूटन अप्लाई करता हूं, और मेरे को इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी स्लाइड करेगी, यस करेगी, तो दिस ब्लॉक विल स्लाइड, तो ये स्लाइड करेगा, घिसता हुआ जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो कौन सी फ्रिक्शन इसमें रोल प्ले करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहली बात तो इस केस में आपने जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब बोलनी है वो क्या बोलनी है, काइनेटिक बोलनी है, तो किसी ने स्टैटिक बोलनी है, किसी ने काइनेटिक बोलनी है, ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू भी कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगी, मान लो म्यू के 0.01 है, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.01 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 5 इंटू जी, जो भी आंसर आएगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मानी जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें, पहले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ये हमने किया था, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, म्यू की वैल्यू गिवन होगी, अक्षत, इसमें हमें कुछ नहीं करना, म्यू गिवन होता है, म्यू के बारे में सोचना नहीं हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो केस है इसमें जो आप सॉल्व करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताएं प्लीज। क्वेश्चन इज कि जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट,
60 डिग्री है, राइट। ये सपोज 5 केजी है, ठीक, और इसमें फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, म्यू के हमेशा कम होता है, 0.3 है। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ इसमें कितनी है। याद रखना फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में पहले चेक करना होता है क्या ये बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। अगर ये बॉडी स्लाइड करेगी तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर होगा, और अगर नहीं करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो कौन सी फोर्स इस बॉडी को नीचे लेके आएगी, 5g sin 60। तो 5g की जगह 10, साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक। (43.30 N) इसे सॉल्व करेंगे तो 43.30 N आएगा, ओके, ठीक है। और अब ये देख लेते हैं कि इसको इतनी फोर्स तो नीचे लेके जाएगी, इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, कितनी फोर्स चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं एफ ऑफ एस का, म्यू ऑफ एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इसमें नॉर्मल रिएक्शन याद है ये 5g फोर्स है, ये 5g cos of 60 है, राइट, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, 5g cos 60। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह वैल्यू पुट करते हैं, म्यू ऑफ एस आपको 0.4 गिवन है, 5g cos 60, तो 0.4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1/2। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक बार कैलकुलेट करो, टेन, इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 10 N, और हमने कितनी अप्लाई की, 43.30 N, तो बॉडी विल स्लाइड। कैमरे ऑफ होते हुए कैमरे ऑन करो, ऐसा ना सोचो कि मेरे को पता ही लग रहा, मैंने 3 मॉनिटर लगा रखे हैं यहाँ पे, तो एक मॉनिटर तो सिर्फ आप ही को देख रहा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग कैमरा ऑन करें प्लीज। हाँ बढ़िया लग रहा है, हाँ अब ठीक है, सही है, हाँ पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है पढ़ रहे हैं, सही है। ठीक, तो इसके अंदर दिस बॉडी विल स्लाइड, तो ये तो बात पक्की है बॉडी स्लाइड तो करेगी, और अगर बॉडी स्लाइड करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, न्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो न्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 5g cos of 60, वैल्यू पुट करें, ठीक। तो यहां से 0.3 इंटू 5 इंटू 10, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, 7.5 N। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 7.5 N, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका आंसर इसमें क्या मार्क करना है, 7.5। एक चीज नोट की, ये जो स्टेप करते हैं ना, ये हमें अपने लिए चेक करना है कि काइनेटिक आंसर देना है या फिर स्टैटिक आंसर देना, अपने लिए चेक करना है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि कोई आपको चेक कि आप सीधे काइनेटिक आंसर दे दोगे, मालूम नहीं है क्वेश्चन पूछने वाला क्या देगा, आपको चेकिंग करनी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो ये PDF है आपको।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का अगर मैं आपसे एक और अगला पार्ट पूछूं कि इस क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है, 7.5 न्यूटन जब ये बॉडी मूव करेगी, और हाँ ये बॉडी मूव करेगी, तो जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसमें फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी, 7.5, क्या आप ये बता सकते हो जब ये बॉडी नीचे आएगी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइंड एक्सेलरेशन। ये तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो मुझे पता लग ही गया है कि बॉडी तो नीचे आएगी। ठीक, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी बॉडी की। चेक करता हूं, अरे थे अभी चेक करता हूं, मैं तो पार्टिसिपेंट्स को देख रहा हूं कितने सारे लोग कह रहे हैं कि बावजूद भी कैमरा ऑन नहीं करते, मैं तो ये हैरान हूं कैमरा ऑन करने में प्रॉब्लम कहां पर है। अगर आप मुझे आज की डेट में मिल जाओगे ना कहीं पर रास्ते में तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा आपको कि आप कौन हो। हाँ बढ़िया लग रहा है, आप सही है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, अभी भी लोगों के काफी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा इसको डायग्राम को सही करता हूँ पहले, तो कि इसको नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही थी, 43.30 न्यूटन, ठीक है, मैं थोड़ा इसको सही करके लिख दूं, 43.30 न्यूटन, ठीक है जी, 43.30 न्यूटन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्लाइड करती हुई आएगी तो इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन पीछे काम करेगी ना, इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन पीछे काम करेगी, और फ्रिक्शन भी कौन सी काम करेगी, फ्रिक्शन काम करेगी इसमें काइनेटिक F of K, जिसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी, 7.5 न्यूटन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिंग फोर्स होती है ना, तो कौन सी फोर्स इसे नीचे लेके आ रही है, 43.3 न्यूटन, कौन इसे अपोज कर रहा है, 7.5 न्यूटन। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का लॉ ये बोलता है कि नीचे आने वाली ये फोर्स है ना, इस एक्सिस के अलोंग अपोज करने वाली ये फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो ये 43.3 न्यूटन है और पीछे की तरफ 7.5 न्यूटन है, तो ऐसा कोई डायग्राम बनेगा, ठीक। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है और मास इसका 5 केजी है, तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 43.30 में से 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो जिनका आंसर 7.1 आ रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था, सही आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने। ये तो बिल्कुल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, ये तो बिल्कुल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ये लो इसके ऊपर मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लो, ये तो क्लियर है ना, ये मिटा दूं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जिनके कैमरे ऑन है उनको कितना आसान है बताने, वो एकदम इशारे से बता रहे हैं कि हाँ कि कोई डाउट नहीं है, आसान हो रहा है, ठीक।
ये लो क्वेश्चन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, अरमान यार इसमें शाय होने की क्या जरूरत है, अरमान कह रहा है थोड़ा शाय शर्म से आती है, क्यों आती है यार, क्लास में तो बैठते ही आमने सामने, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स अरमान, ठीक है, और मेरे को अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, एक दूसरे के चेहरे देखोगे अच्छा ही लगता है, बुरा थोड़ा लगता है। देखो सपोज 5 kg है, ठीक, पुली है, ठीक, और इस तरफ एक मास है 15 kg है, ठीक, आपको एक्सेलरेशन बतानी है पूरे सिस्टम की, ए क्या होगी, ठीक, ये आपको बताना है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एंगल 30 degree है, म्यू एस की वैल्यू इस सरफेस की, या ए की वैल्यू देता हूं, एक वैल्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको चेक करो कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, मेरी तरफ से सिस्टम मूव करेगा, और अगर सिस्टम मूव करेगा तो मैं आपको एक ही वैल्यू दे रहा हूं, म्यू के, म्यू के की वैल्यू है 0.1, म्यू के 0.1 है, मतलब एज्यूमिंग, अच्छा कई बुक्स के अंदर एक और भी चीज बता दूं, कई बुक्स के अंदर बस यही गिवन होगा म्यू, बस वो ना म्यू एस लिखेगा ना म्यू के लिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे शुरू शुरू में कि चक्कर क्या है, ये म्यू एस म्यू के क्यों नहीं लिख रहा, जबकि दो टाइप के म्यू होते हैं, वो ये एज्यूम करता है कि ये ब्लॉक ऑलरेडी इन मोशन है, और स्टूडेंट को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, सिस्टम मूव करेगा तो वो ए की आपको म्यू दे देगा, और अंडरस्टूड है वो म्यू कौन सा होगा, वो म्यू के ही होता है, तो अगर आपको कुछ ना लिखा हो म्यू के नीचे, म्यू कुछ ना लिखा हो तो वो म्यू के ही माना जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हर्षित ठीक हो जाएगी आवाज अगर लैग कर रही है, तो वो म्यू के ही होगा। अब स्टार्ट करो, एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन ए, फाइव एक आंसर, फाइव, ओके चेक करते हैं, नेक्स्ट आंसर भी फाइव, अच्छा सभी का फाइव है, चेक कर लेते हैं फिर तो सबसे पहले कौन सी फोर्स यहां एक्ट करेगी, तो यहां पर एक्ट करेगी 5g sin 30, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ किया पर आप समझ सकते हो कि ये वेट है 5g, ये एंगल भी 30 degree है, 5g cos 30, और ये है इसका नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी क्वेश्चन सेम है, इसका वेट इसे नीचे लेके आएगा कितना, 15g, यहां पर टेंशन टी एंड टी, यहां पर टेंशन टी एंड टी, ठीक है ना, तो यहां पर टेंशन टी एंड टी, वेट इसका 15g और नीचे की तरफ फोर्स है 5g sin 30, ठीक। अब इस केस में मेरे को एक पॉइंट समझ में आता है
कि जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां कहां एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी, है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स मोशन को अपोज करती है, तो कहां होगा, नीचे की तरफ होगी फ्रिक्शन। और कौन सी, बताने की जरूरत ही नहीं है, काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड हो रही है, बॉडी रेस्ट पे तो है नहीं, तो कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होती क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है म्यू, जो भी आपको गिवन है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के कितना है, 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितना है, 5g cos 30, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट होता है, तो 5g cos 30, ठीक, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब इक्वेशन देखें क्या बनेंगे, इक्वेशन ये बनेगी इसमें कि अगर आप इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये नीचे आ रहा है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 15g - t, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। क्या फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन के पहले भी करते आए हैं। सिद्धार्थ क्लियर है, आप अभी ज्वाइन किया आपने, सिद्धार्थ सुन लिया है, फोर्स की इक्वेशंस क्लियर है, इंक्लाइन प्लेन ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इसको आगे की तरफ कौन सी फोर्स मिल रही है, टी, और इसको पीछे की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस मिल रही हैं। मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं डायग्राम, है ना, तो एकदम बहुत सारी चीजें इसमें चल रही हैं, ठीक, बस ये सफिशियंट है, ये देखो। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में ये बॉडी ऊपर जा रही है और फ्रिक्शन की फोर्स भी नीचे है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक एफ के, ये लो, ठीक। तो इसके 5 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, 5 kg को आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, टी, 5 kg को पीछे की तरफ कितनी फोर्स मिल रही है, 5g sin 30, और एक और फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसको अलग से बना लिया मैंने, टी ऊपर की फोर्स है, फ्रिक्शन इसे अपोज कर रही है, और 5g sin 30 भी इसे अपोज कर रहा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ हाँ सिंपल रचित, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, इतना आपको नहीं करना, आप तो सीधा इक्वेशन लिखोगे, अगर मैं आऊंगा मैं सीधी इक्वेशन बना दूंगा, t - 5g sin 30 - force of friction is mass into acceleration, तो मैं सीधी इक्वेशन क्या बनाऊंगा, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो t - 5g sin 30 + force of friction is equal to 5 into a, तो आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, t - 5g sin 30 + force of friction, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, ये रही 0.1 × 5g cos 30 = 5 × acceleration, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, t - 5g sin 30 - force of friction, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्लियर है। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, अब तो बाकी सारा हमने कर ही लिया है, दो इक्वेशंस ही थी, दो इक्वेशंस हमने बना ली है, है ना। तो दो इक्वेशंस, ये रही दो इक्वेशंस, तो पहली इक्वेशन कितनी है, पहली इक्वेशन है 15g - t = 15 × a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है t - 5g sin 30 + 0.1 5g cos 30 = mass into acceleration, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक, दो इक्वेशंस हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली आपने ऐड करना है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में t से t क्या हो जाता है, कैंसल, तो 15g
माइनस 5g साइन 30 प्लस कॉस 30 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 टाइम्स ए आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे 15g, मैं वैल्यू साथ साथ ही पुट कर लेता हूँ इसमें, तो यहाँ पर 15 × 10 = 150 माइनस 5 × 10 × 1/2 प्लस 0.1 × 5 × 10 √3/2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ए। तो प्लीज यहाँ से सॉल्व करके ए चेक करो जरा कितना आ रहा है, लिखना जरा चैट में फिर से, देखा नहीं मैंने क्या ए आया हुआ है, 6 आ रहा है 4.1 6 काफी लोगों का 6.36 के आसपास आ रहा है, यश समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछा यश? अच्छा जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आपने फोर्स का की रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, जैसे आपने फोर्स की रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, यस ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास ऐसा केस था ना, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पुली थी, ये 15 kg था कुछ ऐसे, ठीक है ना, और 15g इसका वेट है 15g, और यहां पर क्या था टेंशन TNT, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, जब से समझ में आ रहा है नीचे आ रहा है, तो 15g - t इज 15 × a, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? ठीक है जैसे से समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके ठीक है ठीक है। तो आई होप आप ये पॉइंट, यश जब बॉडी ऊपर जा रही है ना, जब ये बॉडी यश ऊपर जाएगी तो आपको लगता नहीं कि फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, पीछे बॉडी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है ना, तो पीछे एक्ट करेगी, ठीक है यश? ओके, ए की वैल्यू 6 आ रही है, मैंने भी सॉल्व की, काफी लोगों की मेजोरिटी में 6 आ रही है, तो 6.3 या 6.1 भी आ रही है कहीं की कुछ, इसके आसपास 6. समथिंग कुछ आ रही है, इट्स ओके कोई बात नहीं, मेथड सही है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है देखो फ्रिक्शन का एक और एग्जाम्पल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो भी हम एक दो एग्जाम्पल अभी करेंगे उनमें से पहला एग्जाम्पल जो है वो तो यही, जो ये आपकी स्लाइड के ऊपर अगर PDF आप देख पा रहे हो, स्लाइड के ऊपर PDF, कितने लोगों की प्रॉब्लम सामने आई थी रिकॉर्डिंग, ओके तो एक बार स्टार्ट करते हैं। गीतांश समझ में आ रहा है? ठीक है
देखो एक ना इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है जिसमें सूडो फोर्स की एप्लीकेशन कभी कभी यूज हो जाती है। तो काफी लोगों ने कहा कि हमें समझ में आया था ये क्वेश्चन, कहीं यहाँ पर नहीं भी समझ में आया था, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और काफी बार आता भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये एक कार है, राइट, कार के ऊपर ये एक बॉक्स है, कार आगे एक्सलरेट कर रही है विद 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है सपोज, और इसका मास 10 kg है, तो नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बताओ इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, यस की नो, और लगेगी तो कितनी लगेगी? लगेगी कहाँ लगेगी? इस कार के राइट के ऑपोजिट लगेगी, ये लगेगी, है ना? कितनी? इसके ऊपर सूडो फोर्स 10 और कार की एक्सलेशन कितनी? 5। 50 न्यूटन की सूडो फोर्स पीछे लगेगी, पक्की बात है। अगर आप ऐसे कार चलाओगे आपका बॉक्स पीछे गिरेगा ही गिरेगा, पक्की बात है, ठीक। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि कार अभी भी एक्सलरेट कर रही है आगे की तरफ विद एन एक्सलेशन ऑफ 5 5, लेकिन इस बार बॉक्स यहां पर है, ये रहा 10 kg, बॉक्स यहां पर है, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो, पर गिरता गिरता सूडो फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, इस पे भी लगेगी, बस कार पे नहीं लगेगी, कार खुद पे नहीं लगेगी, चाहे सामान यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे इसके अंदर हो, हर पे लगेगी, हर के ऊपर लगेगी, बस इसके ऊपर नहीं लगेगी, कार के ऊपर नहीं लगेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर सूडो फोर्स की वैल्यू लगेगी, अब बोलो कितनी लगेगी? काफी लोग आंसर दे रहे हैं कि सूडो फोर्स लगेगी, और सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे ही लगेगी, कितनी? 10 × 5 ही लगेगी, सही है, सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वो ये कि आपके पास एक कार है, ठीक, ये कार कि क्या एक्सेलरेशन हो निकालनी है, मिनिमम एक्सेलरेशन, सच दैट कि अगर यहां पर एक ब्लॉक रखा हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसमें, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये ब्लॉक अगर कार चलती नहीं है, अगर ये चलती नहीं है और ये 10 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट 10 × g, पक्की बात है, इसको नीचे गिर देगा। तो 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का वेट इसे नीचे गिर देगा, लेकिन मेरे को कार इतनी तेज चलानी है कि ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में रहे और नीचे ना गिरे। अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, और कोई कहे मैं तो कार बहुत तेज चला दूंगा, देखो बहुत तेज चलाओगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो कुछ भी ले लो, 100 लो 200 लो 300 लो, उसमें तभी मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है, क्योंकि अगर आप कार को थोड़ा स्लो चलाओगे तो हो सकता है ये नीचे गिर जाए, ठीक। तो इस केस में म्यू की वैल्यू है ना, इस केस में जो फोर्स ऑफ, देखो कौन गिरेगा इसे,
टेंजी फोर्स गिरेगी, ये तो आप समझते हो। और जब ये नीचे स्लाइड करता हुआ ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो ये कार की सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी, एफ फ्रिक्शन लगाएगी। तो अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो जाए या इक्वल टू भी रहे तो भी चलेगी, अगर बराबर रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये बराबर हो जाती है तो भी नीचे नहीं गिरेगा ब्लॉक, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो जाती है फिर तो गारंटेड नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इसका वेट हो जाए तो पक्की बात है ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरने वाला। क्या ये पहला स्टेप यहां तक क्लियर है, एक बार चेक करके बता दो प्लीज, कोई डाउट है तो अभी के भी डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बॉक्स यहीं पर पड़ा है जो पिक्चर में क्लियर है, स्टार्टिंग में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पड़ा हुआ था नीचे आ गया, ये स्नैपशॉट है, जैसे ये स्नैपशॉट गिवन है कि कार ऑलरेडी ए एक्सेलरेशन में मूव कर रही है और नीचे गिर पा रहा, ठीक। तो इक्वल कॉन्सेप्ट ऐसा है रचित, हाँ कुमार पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, कितने लोग बोलते हैं स्टैटिक है, कितने लोग बोलते हैं काइनेटिक है, बताना जरा प्लीज, स्टैटिक लगेगी कि काइनेटिक, आंसर आ रहा है स्टैटिक, कोई कह रहा है काइनेटिक, कोई कह रहा है स्टैटिक, कोई कह रहा है काइनेटिक, क्या आपको लगता है कि ये ब्लॉक इसकी सरफेस से घिसटता हुआ नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये ब्लॉक मूव ना करे, रेस्ट पे रहे ना, तो अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो काइनेटिक सोच भी कैसे सकते हो, रेस्ट पे पड़ी हुई जो जो बॉडी है उसमें हमेशा हमेशा क्या लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। तो 50% ऑफ क्लास ने काइनेटिक भी बोला, काइनेटिक क्यों लगेगा, स्टैटिक लगेगा ना इसमें, ठीक, क्योंकि बॉक्स को किस पे रखना है, रेस्ट पे, और अगर गिर गया बॉक्स फिर काइनेटिक है, अगर गिर गया फिर काइनेटिक है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है काफी बड़ी है, और ये अप्लाइड फोर्स है जो इसे नीचे गिर रहा है, अप्लाइड फोर्स इतनी बड़ी नहीं है, अप्लाइड फोर्स 10g ही है सिर्फ। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू इसमें गिवन है, म्यू ऐसे क्वेश्चन में म्यू ही गिवन होता है, जरूरी नहीं है कि इक्वल कॉन्सेप्ट, रचित अगर मेरे मैथ्स में नंबर 33 या 33 से ज्यादा आ जाए तो मैं पास हूं, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो पास, समझ आ रहा है रचित। तो ऐसी अगर फ्रिक्शन है या तो इक्वल टू हो जाए है ना, या फिर उससे बड़ी भी हो जाए तो भी चलेगा, जैसे बॉडी की मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 15 मान लो 400 न्यूटन है, हाँ 400 न्यूटन है, तो बॉडी को हिलाने के लिए 400 न्यूटन चाहिए, पर आपने कितनी लगाई, 10 × 10 100 न्यूटन लगाई, तो ये नहीं हिलेगी, ऐसे है, ठीक। तो इस केस में ये आपके पास ये कंडीशन है कि बॉडी नीचे ना गिरे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। काफी ज्यादा क्वेश्चन में जो म्यू होता है ना उसके पैर में एस और के गिवन नहीं होता, क्योंकि पूछने वाला आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी कि आप म्यू एस म्यू के बीच में डिसाइड करें, आप एक ही म्यू अगर गिवन है फिर तो आप शुक्र मनाओगे एक ही म्यू गिवन है, फिर तो आप समझो कि आपको चेक करने को बोल ही नहीं रहा वो ऑथर, या जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप पहले चेक करें कि बॉडी नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, वो खुद ही मान के चल रहा है कि यार ये तो बॉडी नीचे गिरेगी नहीं, इसमें चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, पक्की बात है इस क्वेश्चन के अंदर बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, तो पक्की बात है ये म्यू कौन सा होगा, स्टैटिक ही होगा, लेकिन आपको उसने म्यू के पैर में एस लिखा नहीं तो कोई टेंशन ही मत लिखे, हमें म्यू इंटू एन चाहिए होगा, एन हमें एक वैल्यू गिवन है एक ही पुट कर लेनी है, पर अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं ये म्यू कौन सा होगा आप मुझे म्यू एस बोलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, काइनेटिक का फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी किस पे है, एट रेस्ट है, ठीक। नहीं गिवन तो ना सी, हम म्यू यूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात नॉर्मल रिएक्शन की,
नहीं क्षितिज, ये बॉक्स नीचे की बजाय ऊपर तो नहीं आ सकता ऐसे, अगर ये ऊपर आया क्षितिज सुनो, अगर ये ऊपर आ गया फिर ये फ्रिक्शन ना स्टैटिक नहीं हो सकती क्षितिज, फिर ये काइनेटिक होगी। स्लाइड करना शुरू कर दिया ना, तो क्षितिज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये मैं आपसे कुछ अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछूंगा, एक आध क्वेश्चन आएगा क्षितिज जिसके अंदर ऐसा केस आएगा, उस टाइम मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे केस में काइनेटिक कब लेते हैं स्टैटिक कब लेते हैं। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं मेंशन, बस ये रेस्ट पे है ना, और ऊपर आने की क्या कंडीशन है वो भी थोड़े टाइम के साथ करेंगे अभी, क्योंकि लेवल बढ़ जाएगा, अभी सिर्फ रेस्ट की केस में इसको डिस्कस करते हैं। अभिजीत ग्रेटर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर जाएगा ही, अगर मान लो इस बॉडी को हिलाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 200 न्यूटन है Fs मैक्सिमम स्टैटिक, और आपने तो नीचे 10G लगाई वो तो कम है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी है तो बॉडी ऊपर ही जाएगी, क्यों जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कुमार, अगर फ्रिक्शन एफ की वैल्यू 10G से कम हो जाती है तो फिर वो काइनेटिक अपना रोल प्ले करेगी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में पूछने वाले ने ही आपको ये कहा गया है कि बॉडी मोशन में है ही नहीं, बॉडी रेस्ट पे है, तुम काइनेटिक की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे है। अगर वो कहता कि बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है फिर ऑटोमेटिकली क्या करना था, फिर तो काइनेटिक लेनी ही पड़नी थी हमें। तो इसके अंदर एक और चीज मैंने बना रखी है कि अगर फ्रिक्शन ऊपर है, अगर ये कार इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगाएगी तो ये बॉडी भी कार के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट। वो अलग बात है कि ये यूज नहीं होने वाली, पर आदत डाल लो फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये बना लोगे तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, नहीं ऐसे नहीं होता प्रियांशु, क्वेश्चन में हिंट तो गिवन होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी या रेस्ट पे रहेगी ये बताओ, ऐसा नहीं होगा। पूछने वाला आपको कहेगा, कंडीशन बना के देगा, इतनी भी हार्ड फिजिक्स नहीं है कि अब जादू थोड़ा कर रहे हैं कि जादू के बाद बोलो क्या होगा आंसर क्या होगा, है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप चिंता ना करो, अगर आएगा तो फिर वो उसकी कंडीशन बना लेंगे हम, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ प्रांशु, बात तो सही है आपकी कि कुछ भी आ सकता है, बताओ ये बॉडी नीचे गई ऊपर गई रेस्ट पे रही, है ना, कार चलाने वाले पे डिपेंड करता है, पर अभी इतना लेवल उठेगा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। यशराज आप फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर ये बॉडी एक्सेलरेट करे तो फिर लेवल तो फिर चेंज करे जा रहे हो आप, रेस्ट का केस पहले कर ले, ये बॉडी जब एक्सेलरेट करेगी तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगी यशराज, फिर ये स्टैटिक नहीं रहेगी, फिर न्यूटन का लॉ लगेगा, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करके मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही करना पड़ेगा यशराज। मैं उस केस को बाद में डिस्कस कर देता हूँ, पहले रेस्ट वाला केस खत्म कर दूं एक मिनट पहले। अभी गिवन है, अभी प्लीज गिवन है, गिवन का मतलब गिवन है कि ये रेस्ट है, गिवन है, तो कोई ये ना पूछे कि अब ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, या रेस्ट है तो रेस्ट है। हाँ मैं इसका आंसर दे दूंगा कि अगर ऊपर नीचे जाना हो तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है, वो भी दे दूंगा, पर अभी के लिए ये रेस्ट है। तो म्यू टाइम्स, अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इस बॉडी की जो सरफेस है ना, ये सरफेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये जो बॉडी है ना, ये मुझे चाहिए नहीं, मैं हटा रहा हूं इसे, देखो ये जो बॉडी है ना, हाँ ग्रेविटी से गिरेगी, ये तो है, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी से गिरेगी, भारी है जो बॉडी को नीचे गिरता है, अगर मैं भी टेबल के ऊपर हवा में छलांग मार दूं तो वेट ही मुझे नीचे गिरेगा, ठीक। पर अगर मैं दीवार के साथ चिपक के नीचे गिर रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैं चिपक जाऊं दीवार के साथ और फ्रिक्शन मुझे बचा ले, है ना, तो फ्रिक्शन शायद मुझे बचा ले। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो ये जो ब्लॉक है इसके लिए ये सरफेस इन कॉन्टेक्ट है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल, तभी तो नाम इसका क्या है, नॉर्मल है। तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर सरफेस। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या क्यों होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब कि जरूर ब्लॉक ने कार के ऊपर एक फोर्स लगाई, तो बदले में कार ने भी उसके ऊपर रिएक्शन लगाया, तो क्या लगाई,
इस ब्लॉक ने कार के ऊपर अपनी सूडो फोर्स लगाई, क्योंकि कार अगर ए के साथ एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, 10 A, और ब्लॉक अपनी सूडो फोर्स किस पे लगाएगा, कार पे लगाएगा, तो कार बदले में क्या लगाएगी, इसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। ऐसे याद नहीं करना कि नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के इक्वल होता है जी, वेट तो 10 G है तो नॉर्मल रिएक्शन 10 G, ऐसे नहीं होगा। आप देखो सरफेस क्या है, अगर आपकी सरफेस ऐसी है, अगर आपकी सरफेस ऐसी है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा, ये लो। लेकिन अगर आपकी सरफेस ही ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी इन कॉन्टेक्ट कैसी है इसके, यहाँ बॉडी इन कॉन्टेक्ट यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, है ना। तो ये तो इंक्लाइंड प्लेन है, टेढ़ी अगर सरफेस तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा होगा, लेकिन इस बॉडी के साथ 90 degree ही एंगल बनाएगा हर हालत में। तो इस केस में आई होप सबको समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू इसमें क्या हमें पुट करनी है, 10 into A। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 10 into A। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पर 10 into A ग्रेटर देन इक्वल टू 10 into 10 पुट कर लेते हैं यहाँ पर। न्यू की वैल्यू 0.5 मैंने आपको दे दी थी, 10 into A ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहाँ से सॉल्व करके, जैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई हुई है, एक्सेलेरेशन 10 divided by 0.5 ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी पास होने की कंडीशन ये है कि मेरे मार्क्स, ठीक, मेरे मार्क्स अगर 33 से ग्रेटर या इक्वल टू हैं तो मैं पास हूँ। तो बोलो मुझे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम मार्क्स के लिए आप इक्वल टू 33 कर दोगे, ग्रेटर देन को हटा दोगे, हाँ ग्रेटर देन को हटा दोगे, इक्वल टू ही करोगे ना। तो मैंने भी वही किया कि मेरी एक्सेलेरेशन अगर इससे ग्रेटर या इक्वल टू होगी तो मेरा ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो बोलो मिनिमम एक्सेलेरेशन कितनी होगी, मिनिमम के केस में ग्रेटर हट जाएगा और सिर्फ इक्वल टू रह जाएगा, तो अपने आप ही एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट है तो डाउट लिखो। समीक्षा यस का मतलब, समीक्षा यस का मतलब डाउट है। ओके क्लियर है। ओके फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। ओके क्वेश्चन है, हाँ रचित, वो क्वेश्चन पूछने वाला मिनिमम एक्सेलेरेशन ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में या जो भी पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक कार है, कार आगे एक्सेलरेट कर रही है विद 2 meters per second का स्क्वायर। ठीक, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक, और इसमें जो फ्रिक्शन का कोफिशियंट है म्यू के प्लीज, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करवा रहा हूँ, स्लाइड करवाऊंगा मैं। ठीक, तो म्यू के की वैल्यू 0.1 है, ठीक, म्यू एस दे ही नहीं रहा, म्यू के दे रहा हूँ। आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, और जहां भी मूव करेगा, क्योंकि जब कार चल रही होगी आगे की तरफ तो ये स्लाइड करता हुआ पीछे आ सकता है ना, जब ये पीछे आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी पीछे आने की, ये क्वेश्चन है। आपको ब्लॉक की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। गीतांशु है क्लास में? गीतांशु,
गीतांशु, ठीक है, समझ में आ रहा है गीतांशु आपको? ठीक है, आशी, आशीष भंडारी, अभिजीत, क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी तक? ओके, आंसर चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब ये कार राइट जा रही होगी तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, कितनी? 5 × 2 = 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन की सूडो फोर्स लगी पीछे। अब ये 5 kg का ब्लॉक कहां जाने की कोशिश करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, मानते हो ना? 5 kg कहां जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रिक्शन की फोर्स कहां एक्ट करेगी? टूवर्ड्स राइट। अब मैंने आपको म्यू के ही दिया है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि स्लाइडिंग तो हो ही रही है, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता इसकी स्लाइडिंग हो या ना हो, क्या पता ये हिले ही ना। अगर ये हिले ही ना तो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? ये तो जीरो हो गई। ऐसा हो सकता है आप अपनी कार की छत के ऊपर जाके बैठ जाओ और बोलो अपने घर वालों को, चलो जी कार चलाओ। जरूरी तो नहीं कि आप लोग पीछे की तरफ स्लाइड होंगे ही होंगे। अगर कार बहुत एक्सेलरेट करेगी तो हो सकता है पीछे स्लाइड हो जाए, पर ये जरूरी नहीं है। आप कार के ऊपर एक एक स्टैंड से भरी हुई बोरी रख दें, कोई सामान रख दें, तेज एक्सेलरेट करेंगे तो गिरेगी, नहीं करेगी, अगर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो नहीं भी गिरेगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स पीछे आएगा ही आएगा। वो तो मैंने, पूछने वाले ने बताया कि ये आ रहा है पीछे, ये मैंने अजम्पशन ली है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जिसके बारे में अगला क्वेश्चन दूंगा, जिसमें चेक भी करना पड़ता है कि ये पीछे गिरेगा या नहीं गिरेगा। पर इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं ही कह रहा हूँ कि चलो ये गिरेगा तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, 0.1 इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा? ये अपना वेट क्या लगा रहा है? 5g। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 5g, यानी कि 0.1 × 5 × 10 कितना आ गया? 5 न्यूटन। पक्की बात है स्लाइड होगा ही होगा, 10 न्यूटन की फोर्स पीछे लग रही है ना। तो अगर ये 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो 10 न्यूटन की फोर्स पीछे लग रही है और इस तरफ कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। तो ऑब्वियसली बॉडी कहां जाएगी? पीछे जाएगी। तो 10 - 5 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 इज इक्वल टू 5 × a, सॉल्व करके a की वैल्यू 1 m/s का स्क्वायर। तो जिन्होंने आंसर 1 लिखा था, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लिखा था, सही लिखा। आवाज आनी बंद होगी प्रियांशु, बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट करें यार, ये तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ रजित, यस,
ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपकी प्रिंटेड शीट में ही है कि सपोज आपके पास ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, फ्रिक्शन है, ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ है और वेट है 5 न्यूटन, है ना, 5 न्यूटन। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में 0.6 गिवन है, ना म्यू के गिवन है, ना म्यू एस गिवन है, कुछ नहीं गिवन, बस 0.6 गिवन है, ठीक। मतलब ये खुद सोचोगे कि ये म्यू एस होगा या म्यू के होगा, या आप ही सोचोगे। ये गिवन है कि यहां पर आपने 12 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई है और इसको पकड़ के रखा हुआ है दीवार के साथ, ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिर जाए, है ना। नॉर्मली हम करते नहीं है, जैसे जैसे ये देखो, ये रहा, ये देखो, मैं फोर्स लगा के रखी हुई है ताकि ये नीचे ना गिर जाए, राइट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तो निकल गया यश, वो तो अब पीछे पिछली शीट में रह गया, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है यश, वहां से देखना अभी तो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन समझते हैं, इस क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन आगे समझा दी मैंने, कि एक ब्लॉक है दीवार के साथ है और 0.6 जो है वो कोफिशियंट है इसका, पता नहीं है स्टैटिक, पता नहीं काइनेटिक, 5 न्यूटन का इसका वेट है यश, 12 न्यूटन की फोर्स से मैंने इसको रोक के रखा हुआ है, ठीक, रोक के रखा हुआ है। अब चलो मैं ऐसे पूछता हूं कि 12 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई हुई है, पता नहीं है रोक के रखा है कि नहीं रखा। अब सोचो ना, अगर मैंने फोर्स थोड़ी कम लगा दी, अगर मैंने फोर्स कम लगा दी, देखो नीचे जा रहा है, सोचो यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं, ऑयल लगा दो, तेल लगा दो यहाँ पे, लो लगाओ 12 न्यूटन, पक्का 100 न्यूटन स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब कि इसकी रफनेस पे मैटर करता है ना, ठीक है। देते 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट क्वेश्चन पूछने दो मेरे को। तो 12 न्यूटन की फोर्स मैंने लगा दी, आपको ये बताना है कि दीवार, ये जो ब्लॉक है ना, ये कॉन्टेक्ट में है इस दीवार के साथ, है ना, जो जो ब्लॉक है वो दीवार के साथ कॉन्टेक्ट में है। हर्षिता वीडियो पॉज नहीं है, मेरी वीडियो चल रही है, आपका इंटरनेट कनेक्शन लो हो गया होगा। तो ये ब्लॉक दीवार के साथ कॉन्टेक्ट में है, आपको बताना है कि ब्लॉक के ऊपर नेट कॉन्टेक्ट फोर्स कितनी है, फाइंड नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन सी हो सकती है जो दीवार लगाएगी ब्लॉक पे, दीवार क्या लगाएगी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, क्यों लगाएगी, क्योंकि आप दीवार को धक्का मार रहे हो ब्लॉक के थ्रू बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, तो दीवार भी बदले में रिएक्शन लेगी 12 न्यूटन। तो कोई पूछ रहा था सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें बदले में नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जैक्टली कितना लगेगा, 12 न्यूटन ही लगेगा। क्योंकि आप अगर दीवार को क्या करोगे, ब्लॉक स्टेशनरी, ओके चलो ब्लॉक इज स्टेशनरी, कोई पूछ रहा है कि क्या ये ब्लॉक स्टेशनरी है, ठीक है, तो उस केस में इसका, इसको प्लीज आप खुद ही सोच लो 1 मिनट, ब्लॉक स्टेशनरी है कि नहीं है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो प्रियांशु इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ही है ये, कि 12 न्यूटन की अगर आप फोर्स लगाओगे तो 12 न्यूटन बदले में मिलेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होता है, सबको पता है, ठीक है। दीवार 2 फोर्सेस लगाएगी इस ब्लॉक पे, एक क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, दीवार ने लगाया ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरी क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक हर वक्त नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और कौन बचाएगा ब्लॉक को नीचे गिरने से, इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कुल मिला के आपके पास 2 फोर्सेस हैं ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
और एक ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। लेकिन उसने रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी, रिजल्टेंट कैसे आते हैं मालूम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आंसर क्या होगा, एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होगा आपके पास। अब अगर आप मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दें, मेरा आंसर आ जाएगा, निकालें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपना फाइनल आंसर बोलें क्या होगा इस टाइम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी पहले ये बताएं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.30, ओके, 5 न्यूटन गरिमा कह रही है, ओके, 5 न्यूटन, शुभांगी 7.8, ईशान 7.2, यक्षा 5 न्यूटन बोल रही है, जपनीत 7.2 बोल रही है, विदेश 0.3, कृष्णा भी 5 बोल रहा है, रचित 7.2, कुणाल 7.2, प्रेशु 5 न्यूटन, रोशान 5 न्यूटन, यश अरव 5 न्यूटन 7.2, अरमान 7.2, दर्शन 7.2, ओके। देखो ये जरूरी नहीं होता कि आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से कैलकुलेट करें, करके देख लें, ये लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, म्यू कितना 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना 12, तो नो डाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 7.2 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बॉडी को घेरने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स बॉडी को नीचे गिर रही है, ठीक। और आप कह रहे हो कि ऊपर फ्रिक्शन 7.2 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर फ्रिक्शन 7.2 है तो बॉडी ऊपर नहीं चढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर की फोर्स बड़ी है, नीचे की फोर्स छोटी है, तो 7.2 फोर्स बड़ी है तो ब्लॉक ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, तो आपका 7.2 तो सही आंसर होएगा ही नहीं बिल्कुल भी। प्रियांशु वो मेरा अपना एग्जाम्पल था, आप प्रियांशु ये बोल रहे हो 10 न्यूटन तक जो है फ्रिक्शन सेम रहती है, नहीं प्रियांशु 10 न्यूटन तो मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया था, ये 10 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 10 न्यूटन तो या सिर्फ मल्टीप्लाई करके आता है, जैसे उस एग्जाम्पल में 10 है इसमें 7.2 है, तो ये याद नहीं करनी फिगर 10 न्यूटन से नीचे नीचे ये होता है ऊपर ये होता है, वो तो मेरा अपना मन से बनाया हुआ एग्जाम्पल था प्रियांशु, क्लियर है प्रियांशु। हाँ अभिजीत ये बिल्कुल सही, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोई कहता सर ये काइनेटिक भी तो हो सकती थी, यार अगर ये काइनेटिक हो जाती है तो नीचे 5 न्यूटन है ऊपर 7.2 है, तो पक्की बात है ब्लॉक तो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये मैक्सिमम स्टैटिक है 7.2। और आप कितनी फोर्स लगा रहे हो बॉडी को नीचे गिरने के लिए, 5 न्यूटन, तो मुझे एक बात बताओ बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 7.2, आपने कितनी लगाई 5, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, बॉडी को नीचे गिरने के, बॉडी की मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 7.2 है, 7.2 से ज्यादा फोर्स होगी तो बॉडी नीचे गिरेगी, आपने कितनी लगाई सिर्फ 5, तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 5 न्यूटन। समझ में आया कि डाउट है इसमें, डाउट है डाउट लिखो, किसी को डाउट है डाउट लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमने अरब देखो ये हमने निकाल लिया 7.2, आपका मन कर रहा होगा मैं 7.2 ले लूं, लो आपके मन के हिसाब से काम कर लेते हैं, ये लो ये मैंने आपके हिसाब से ले लिया 7.2। तो अरब न्यूटन का लॉ खराब हो गया, कैसे खराब हो गया, बॉडी को नीचे कौन गिर रहा है 5 न्यूटन, बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है आपके हिसाब से 7.2 न्यूटन, तो बोलो बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर की नीचे, ऊपर, क्या आपकी बॉडी जब दीवार पे आप टिका के रखते हो बॉडी, क्या वो ऊपर उड़नी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे अपने आप ही चलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 7.2 है, नहीं होती, बॉडी किस पे रहती है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट पे रहती है ना, ऊपर कम नीचे गिरेगी या रेस्ट पे रहेगी, ऊपर तो नहीं जाएगी ना, अब क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हाँ हाँ हर्षित ऐसे तो रोज आएंगे वीडियोस, इसी के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 7.2 तो हो नहीं सकता अरब, इसका मतलब कि बॉडी की मैक्सिमम फ्रिक्शन 7.2 है, पर आपने कितनी फोर्स लगाई उसको नीचे गिरने के लिए सिर्फ 5 न्यूटन,
तो इसका मतलब 5 न्यूटन ही लेनी पड़ेगी। प्रियांशु आपको भी क्लियर है, आरव क्लियर है? इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ताकि 5 और 5 बैलेंस हो गए, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अब ये 5 है, नॉर्मल रिएक्शन 12 है, तो 5 और 12 का रिजल्टेंट क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा? 13 न्यूटन आंसर। ये आंसर है सही। तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन पूछने वाला कहीं ना कहीं फंसा ही लेगा, कि किसी तरीके से आप 7.2 ले लें, आपका आंसर गलत हो जाए। बट मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा अभी आने वाली वीडियोस में भी और हैंड एंड शीट में भी, कि जितना मर्जी कोई उलझा ले आपको, आपका स्टैटिक और काइनेटिक का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ये तो अभी स्टार्ट है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है फ्रिक्शन, अभी तो हमारे पास अभी पूरा हफ्ता पड़ा है, हमने फ्रिक्शन ही करना, कुछ नहीं करना। तो हम इसी टाइप की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहेंगे, अलग अलग एंगल से देखेंगे, ताकि हमारी और मास्टरी हो जाए, राइट? तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता लगेगा, ये कोई टेंशन नहीं। शुरू शुरू में मुझको भी पता ही लगता था, लेकिन अभी क्या है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अभिजीत, सही कह रहे हो, फ्रिक्शन की वैल्यू के साथ साथ फोर्स अप्लाइड भी देखना चाहिए। अगर फोर्स अप्लाइड छोटा है फ्रिक्शन से, बॉडी नहीं हिलती। इसका मतलब है कि वो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन में काउंट होती है। बस यही गेम है सारी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ कितनी फोर्स अप्लाई की, ये भी देखना चाहिए। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये कर लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं था, एक बार चेक करना जो स्लाइड पर हुआ क्वेश्चन है। नहीं था, ओके कोई बात नहीं, तो मैं बोर्ड पे पूछता हूं आपसे। ठीक, सपोज इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल 30 डिग्री है, आपको मास m गिवन है, ठीक, और आपको फ्रिक्शन गिवन है, फ्रिक्शन गिवन है, तो ऑब्वियसली कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी? mg sin 30 फोर्स नीचे लेके आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब वो बड़ा बड़ा लिख के बोल ही रहा है कि ब्लॉक इज स्लाइडिंग, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक रेस्ट पे थोड़ी ना है, काइनेटिक घिसटती हुई नीचे आ रही है, तो काइनेटिक कहां एक्ट करेगी? बॉडी अगर नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी, और आपको क्या निकालना है, म्यू के निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। इस केस में अगर बॉडी की नीचे आने की एक्सेलरेशन आपको गिवन है जी डिवाइडेड बाय 4, तो बॉडी नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 4, तो आपको म्यू के निकालना है। निकालो जरा, बॉडी स्लाइडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पॉइंट 3, ओके
और देखते हैं, पुअर पॉइंट है, शुभांगी का 0.28, अरमान मंडे को क्लास होगी, अरमान व्हाट्सएप पे डाल दूंगा केमिस्ट्री, बाकी लोगों का केमिस्ट्री का क्या है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो जो वेट है इसका वो कितना है, mg है ना, mg, तो ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये कितना है mg cos of 30 है ना, तो ये क्या है इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो क्योंकि बॉडी नीचे आई है तो हम लिख सकते हैं mg साइन 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम जी साइन 30 इज 1/2 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कितने के बना है g/4। ठीक, तो इसके अंदर इसी इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos 30, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू है mg cos 30, तो पुट कर देते हैं, तो mg sin 30 और या mg into half ही लिखना पड़ेगा मेरे को, mg into 1/2 माइनस म्यू हमने निकालना है और अंडरस्टूड है म्यू कौन सा है काइनेटिक, और नॉर्मल रिएक्शन कितना था mg into cos of 30 is equal to m into g by 4, पहले तो g को उड़ाओ, g उड़ गया, m by 2 minus mu k into m भी उड़ गया, m भी गया, तो m को भी हटा देते हैं, तो ये हो गया 1 by 2 minus mu k into root 3 by 2 is equal to 1/4, तो यहां से mu k निकाल लेना, तो मैं चैट में देखता हूँ कितने लोगों ने आंसर निकाला कैलकुलेशन से, √3/6.28.3 कुछ ऐसा आंसर बता रहे हैं, डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है न्यू के का 0.87 आ रहा है क्या, हाँ 0.28 का 0.29 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नहीं माइनस तो आ नहीं सकता यार शिवराज, म्यू कभी माइनस नहीं होता, क्रिश कहाँ पे डाउट है, क्रिश ये इक्वेशन बनानी आ गई ये वाली, इक्वेशन में डाउट है क्रिश, ये देखो ये था आपका इंक्लाइन प्लेन, ये था 30 डिग्री, ये ब्लॉक है 5g sin 30 है ना, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा with an acceleration of g by 4, ठीक है, with an acceleration of g by 4, तो उसके फिर फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगी, तो यानी कि नीचे की फोर्स बड़ी है ऊपर की फोर्स छोटी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी 5g sin 30 minus force of friction is equal to mass into acceleration, क्रिश क्लियर है, तो ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg into cos of 30, ठीक है क्लियर है, एक ही जगह वैल्यू पुट कर देना आंसर,
ओके ओके एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सपोज एक टेबल है, ठीक, सपोज एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, राइट, इस टेबल के ऊपर चेन पड़ी हुई है और नीचे लटकी हुई है कुछ पोर्शन, ठीक, चेन क्या, जो चेन है का मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, गिवन है, ये गिवन है प्लीज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर चेन ज्यादा डेंसिटी की है, यहां पर कम डेंसिटी की, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर मास है हर जगह पे, ठीक। अब इस चेन का टोटल मास इज 15 केजी, चेन का टोटल जो मास है वो 15 केजी का मास है, ठीक है। आपको इसके अंदर यहां पे फ्रिक्शन गिवन है और म्यू की वैल्यू गिवन है 0.5, फ्रिक्शन गिवन है और म्यू कितना गिवन है 0.5। आपको बताना है कि आप ज्यादा से ज्यादा चेन का कितना पोर्शन हवा में लटका सकते हो, ये चेन का पोर्शन हवा में लटका हुआ है, आप कितना पोर्शन, आशी वॉइस लैग कर रही है तो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट ही होना पड़ेगा, तो चेन का कितना पोर्शन आप लटका सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम लेंथ आपको लटकानी है ताकि ये चेन नीचे ना गिरे, ताकि ये चेन नीचे ना गिरे, ये क्वेश्चन है। ठीक, और टोटल लेंथ ऑफ चेन इस 10 मीटर, चेन 10 मीटर लंबी है, तो क्वेश्चन ये है, चेन का मास पता है, चेन की लेंथ पता है, कितना पोर्शन हवा में लटकाया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, आप तो आपका क्या है, आप लोगे एक एक लिंक लटका दिया मैंने, बस काम खत्म हो गया, लटक गई चेन, नहीं नहीं पूरा लटकाओगे, अगर इससे ज्यादा लटकाओगे तो चेन पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी, तो कितना पोर्शन हवा में लटक सकता है ताकि चेन नीचे ना गिरे, ठीक। तो मैं जगह खाली कर लूं यहां पे, तो क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है, मेरे को कोई इस चीज का आंसर देगा, चेन नीचे क्यों गिरेगी, ये लटकती हुई चेन का वेट इसे नीचे गिरेगा, सिर्फ जो हवा में लटकती हुई चेन है इसका वेट इसे नीचे गिरेगा, क्लियर है, वेट ऑफ द चेन, रचित जी नहीं बोलना, कोई एम बोल रहा है, कोई जी बोल रहा है, नहीं 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 जी क्या, ग्रेविटी तो फिर पूरी चेन को हमेशा खींच लेगी, नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन का जो वेट है, सिर्फ लटकती हुई चेन का वेट इसे नीचे गिरेगा, क्योंकि जो टेबल पे पड़ी हुई चेन है वो थोड़ी ना नीचे गिर लेगी इसे अपने आप को, जो हैंगिंग पोर्शन है उसका वेट रिस्पॉन्सिबल है पूरी चेन को नीचे खींचने के लिए, कोई डाउट है यहीं पे डाउट पूछो, ठीक है, तो जो हैंगिंग पोर्शन है उसका वेट रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे गिरने के लिए, और
कौन बचाएगा चीज को नीचे गिरने से? यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि चेन नीचे गिरने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट करके इसको बचा लेगी। कोई डाउट इसमें? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ वेट ऑफ हैंगिंग चेन इज लेस देन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो चेन नीचे नहीं गिरती, चेन नीचे नहीं गिरेगी। मैंने क्या बताया कि अगर वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, अगर जो वेट है किसका, हैंगिंग पोर्शन का, लटकती हुई चेन का वेट अगर ज्यादा हो गया फिर तो समझो चेन नीचे गिरी गई। लेकिन अगर लटकती हुई चेन का वेट इसके इक्वल हो गया फ्रिक्शन के या कम रहा तो भी चेन नीचे नहीं गिरेगी। क्या ये कंडीशन सबको क्लियर है? पहले चेक कर लो, कंडीशन क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैं अब वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन निकालूं। वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन से पहले मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन निकालूं। अगर टोटल चेन की लेंथ 10 मीटर है तो बोलो मास कितना है? 15 किलो। 10 मीटर लेंथ है पूरी चेन तो मास कितना है? 15 केजी। अगर ये 1 मीटर है तो 15 / 10 केजी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें किसका मास निकालना है? एल लेंथ का। हमें एल लेंथ का मास निकालना है तो 15/10 × L, ये क्या आ गया? हैंगिंग पोर्शन का मास आ गया। कोई डाउट इसमें? डाउट लिखो। तो हैंगिंग पोर्शन का मास कैसे आएगा? टोटल अगर 10 मीटर की चेन है तो 15 केजी मास है, 1 मीटर का 15/10 है और हमें तो एल का निकालना है तो एल का 15/10 × L है। कोई डाउट इसमें? तो डाउट लिखो। तो इसका वेट क्या है? इसका वेट है 15/10 × L को किससे मल्टीप्लाई कर दें? जी के साथ। तो वेट आ गया, वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन आ गया। और वेट करो 2 मिनट। ये पॉइंट क्लियर है? इसका मास निकाल लिया, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया। और लास्ट स्टेप है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन होती है 15/10 × L × G लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहां से मिलेगा? देखो ध्यान से, जो नॉर्मल रिएक्शन है हवा में लटकती हुई चेन का नॉर्मल रिएक्शन तो देखो तो होता नहीं है। फ्रिक्शन सिर्फ टेबल पे पड़ी हुई चेन की फ्रिक्शन है, ठीक है? तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं का निकलेगा N। अब नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? इस टेबल पे पड़ी हुई चेन का वेट भार ही नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर ये लेंथ स्मॉल एल है तो बोलो ये लेंथ कितनी है? ये 10 − l है, क्योंकि 10 मीटर लंबी चेन थी टोटल, 10 मीटर में से एल लेंथ तो नीचे लटक गई तो बची कितनी? 10 − l। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इतनी चेन का वेट, पहले इतनी चेन का मास निकाल लें। अगर 10 मीटर लंबी चेन है तो मास कितना है? 15 केजी। 1 मीटर के लिए 15/10 और हमारी लेंथ कितनी है चेन की? 10 − l, तो मास कितना है? 15/10 × 10 − l इसका मास है। तो ये स्टेप समझ में आया? सबसे पहले इस पोर्शन का क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। कोई डाउट है? डाउट लिखो। पहले इसकी लेंथ निकाल दी, अगर टोटल लेंथ 10 मीटर है, ये एल है तो ये 10 − l है, तो अगर 10 मीटर है तो 15 केजी है, 1 है तो इतना है और 10 − l है तो इतना है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन बनेगा 15/10 × 10 − l को किससे मल्टीप्लाई कर दें? जी से। इसका वेट आ गया, राइट? तो पहले इसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ से मास निकाल लिया, मास को जी से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, वेट ही नॉर्मल रिएक्शन है। तो पुट कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन की जगह यहाँ पे, ये देखो
तो यहां पर कंडीशन क्या थी, 15 बाय 10 इंटू एल इंटू जी लेस देन इक्वल टू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 15 बाय 10 इंटू 10 माइनस एल इंटू जी. बस इसे सॉल्व करो, जी से जी कैंसल, स्मॉल एल की वैल्यू चेक करो क्या आएगी, स्मॉल एल चेक करो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 5 3.33 आ रहा है कृष्णा, 3.33 3.33 5 3.4, अरे किसी का 5 किसी का 3.33, तो 50% हो गए क्वेश्चन, सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे को. इसके अंदर ये क्या हो गया 1.5L और ये कितना हो गया, ये 0.5 है और 15 by 10, यानी कि 1.5 हो गया इनटू 0.5 हो गया 0.75 हो गया, तो 0.75 10 माइनस L, ठीक, तो 15L by 0.75 10 माइनस L, तो ये कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 0.75 20 माइनस एल, ये इधर चला गया 21L 10, तो यहां से एल क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 21, मेरा तो कुछ और ही आ गया, कुछ गलती की है क्या मैंने, ये 1.5 है सही किया, ये 0.5 है 7.5 है, 7.5 को 10 से डिवाइड किया सही किया, 10 माइनस एल सही है, ओ हाँ ये भी सही है, 0.75 नीचे आ गया, फिर मैंने 15 को डिवाइड कर लिया 0.75 से तो 20 सही आ गया, मेरे को तो ये लग रहा है L की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, तो L की वैल्यू 15 नहीं 1.5 है कहाँ पे, अच्छा 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 ओ सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है, तो ठीक है अब सही है, तो 1.5 हो गया डिवाइडेड बाय 0.75 हो गया तो 2 आ गया ना, 2 दिख ही रहा है वैसे तो ना 2L, तो 3L लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि जो L है लेस देन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 3.33 सही निकाला था, तो L की वैल्यू 10/3 से कम है या इसके इक्वल है, इसका मतलब कैसे रीड करना है, मेरे मार्क्स है ना, मेरे मार्क्स पेपर में 100 से कम होंगे या इक्वल टू होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100 इक्वल टू हो जाएगा, अगर कोई चीज लेस देन इक्वल टू 100 है तो ज्यादा 100 इक्वल होगी मैक्सिमम, ऐसे अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 10/3 है तो मैक्सिमम लेंथ किसके इक्वल आएगी, तो यहां से मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 10/3 मीटर इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्डिंग के अंदर भी आएंगे आपके, आप स्टडी कर सकते हो उसमें अलग अलग तरीके से, ये मैंने अलग तरीके से किया है, बट आप एक बार चेक करना उसे, तो रिकॉर्डिंग भी अपलोड होंगी, तो मंडे की छुट्टी है कि नहीं अभी व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी केमिस्ट्री के अंदर ऑफ है, कई लोग कह रहे हैं उनका बाकी ट्यूशन पे भी ऑफ है ना, तो ठीक है कंसिडर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, तो अभी यहाँ तक सफिशियंट है मेरे को लगता है, तो रिगार्डिंग ठीक है यश, हाँ वेकेशन वेकेशन है तो बिल्कुल सही, नॉन मेडिकल मेडिकल की तो एक छुट्टी वेकेशन होती है, संडे जुड़ जाए और फिर और क्या चाहिए बताओ, ठीक है तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, सभी के लिए सफिशियंट है, आप लीव कर सकते हो, जाना कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और पूछना चाहते हो पूछ सकते हो.